सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वीकेंड का है, आज सैटरडे है एक्चुअली में, तो वीकेंड में एक्चुअली ये वीकेंड कहीं गया नहीं। मे भी शायद नेक्स्ट नेक्स्ट डे जाऊँगा, संडे को जाऊँगा, या तो फिर अभी लंबा छुट्टी आ रहा है दसरा, तो मे भी प्लान कर रहा हूँ कुछ राइड के लिए। तो वीकेंड वो अगर आप किधर नहीं गए तो बोर होता है, अगर आपका रेगुलर शेड्यूल बिजी हो और किसी दिन घर पे हो तो मैं सोचा वो जो दिन बचा है जो बोर होने का वो ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहने का। तो मैंने आपको पता, जैसे कि मेरे पास क्लासिक है, क्लासिक 350, उसका चेन का हमेशा का इशू होता ही रहता है, ये तो कॉमन है बुलेट में। आई मीन क्लासिक का जो है वो चेन लूज होता है, उसका चेन पॉकेट का इशू होता है, तो इसके अच्छा उसको मेंटेन करके रखेंगे वो चीज़ नहीं होता या कम होता है। तो फिर जैसे कि मेरा 12,000-15,000 का किलोमीटर पे आपको चेन पॉकेट चेंज करना पड़ता है, ये तो आपको रॉयल एनफील्ड खुद की आपको रिकमेंड करती है चेंज करने के लिए, लेकिन मैंने कम से कम 20,000 किलोमीटर चला लिया उसके बाद मैंने चेंज किया। तो चेंज करने के बाद मैं सोचा आज वीकेंड है तो कुछ ना कुछ इसको मेंटेन करते, मतलब इसको प्रॉपर क्लीन करते, जो कि सबसे मैंडेटरी है गाड़ी में, आपका जो चेन लुब्रिकेंट और चेन क्लीन ये होना ही चाहिए कहीं भी आप लॉन्ग राइड पे गए तो। तो काफ़ी दिन हो गया, मतलब 2 वीक हो गया मैंने इसको लूब नहीं किया, क्लीनिंग नहीं किया, तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा क्लीन करके इसको प्रॉपर क्लीनिंग ओपन, मतलब जो उसका चेन पॉकेट का जो कवर होता है वो ओपन करके उसको क्लीन करके फिर उसके बाद उसको लुब्रिकेंट करेंगे। तो आज वही पूरा दिन करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे और इसको टकर टक करेंगे। अपनी ऐरावत को कुछ होना नहीं चाहिए, ये तो अपनी जान है, तो आज उसी को हम लोग करने वाले। तो मैं बताने वाला आपको किस तरह से आप कर सकते हैं घर पे, अगर आप हो, आपके पास ज़्यादा टूल्स नहीं है, ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या क्या यूज़ करके आप इसको कर सकते हो और आपकी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो ताकि आपकी गाड़ी स्मूथ चले। सो मेरे पास दिख रहे हो ये चेन क्लीनर एक है, ऊपर से मैंने ये WD-40 यूज़ किया जो कि बेस्ट काम करता है क्लीनिंग के लिए। ऊपर से चेन लुब्रिकेंट है अपने पास जिसके जो लूब करेगा एंड में। तो पहले हम लोग इसको बाजू में रख देते हैं, ये दो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, इसको और इसको, ताकि ये प्रॉपर इसे क्लीनिंग कर पाए और अपन इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर क्लीन हो जाए, ताकि अपना जो चेन एकदम क्लीन होना चाहिए लूब के पहले, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इसको ताकि अपना लुब्रिकेंट प्रॉपर होए और अपना चेन अच्छा खासा चले। सो मैंने काफ़ी चलाने के बाद मैंने चेन पॉकेट चेंज किया था, उसके बाद मेरे को इशू आ गए थे बहुत सारे, मतलब वाइब्रेशन का इशू आ गया था, चेन बार बार लूज़ हो रहा था, और पॉकेट जब आपका वॉर्न आउट हो जाता है तो उसमें कैसा स्लैग आता है बार बार, तो वो लूज़ है, तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके चेंज करा लिए। वो आप देख रहे हो कैसे आप चेंज कर रहे हो, मतलब आप देख ही रहे हो कि मैंने उसको सर्विस सेंटर में कैसे चेंज किया था, उन लोगों ने पूरा खोल दिया था उसको, अपना ट्रेलर पे लेके ओपन किया था, बाद में उसको चेंज करके वापस फिट करके दिया था। कम से कम 1-1.5 घंटे का प्रोसेस अगर सर्विस सेंटर में जाओगे, और कॉस्ट उसका होगा कम से कम आपको 3,500 से 4,500 रुपये तक, 4,500 रुपये तक पकड़ के चलो, जहाँ पे चेन पॉकेट पूरा सेट आता है और उसको लेबर चार्ज इंक्लूडिंग सब, ये मैंने सर्विस सेंटर से ही चेंज करा ली। तो उसका जो वॉर्न आउट पार्ट होता है वो मेरे पास अभी भी पड़ा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये उसका वॉर्न आउट पार्ट है, चेक ऐसे दिखता है सब, जिसके साथ आपका ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, उसमें आपकी बेयरिंग होती है वो चेंज होती है, और ये अगर ख़राब होगी तो ये सारी चीज़ आपकी चेंज हो जाती है। सो ये बेसिक चीज़ है, अगर आपके पास अपना प्रॉपर क्लीनर टूल नहीं है तो आप ये यूज़ करते हो, सबसे बेस्ट काम करेगा। दूसरा, आपके पास अगर चेन क्लीनर है, जैसे ये चेन क्लीनर अगर आपके पास है तो आप ये यूज़ करो कोई भी अच्छा, या तो अगर ये भी चेन क्लीनर आपके पास नहीं है तो आप WD-40 यूज़ करो जो चेन क्लीनर जैसे काम करता है, सबसे बेस्ट। तो आज हम लोग इसको यूज़ करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ओपन करूँगा ये सारे पॉकेट को जो कि चेन पॉकेट से कनेक्टेड है, उसके बाद इसको हम लोग क्लीन करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको वापस लूप करके इसको लगाएंगे। तो ये ओपन करते टाइम ना, इसमें देखो 3 स्क्रू होता है, नए वाले में 3 बोल्ट है एलन की जगह, 1, ये इधर 2 और इधर 3, तो इसको प्रॉपरली यूज़ करना, नहीं तो अगर इसका ग्रिप चला गया ना तो बहुत बड़ा खर्चा बैठ सकता है। तो इसको प्रॉपर एलन की से यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास है अभी ये एलन की, तो इसे मैं यूज़ करूँगा इसको ओपन करने के लिए, और इसको ओपन करने के बाद मैं दिखा दूँ कितना गंदा है, क्या क्या है, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी ओपन हो चुका है, इसके अंदर आप देख रहे हो कितना डस्ट भरा है, देखो ये पूरा मिट्टी है, ये देखो ये सब सारी चीज़ें, ये पूरा डस्ट से भरा हुआ है, इसको क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे जमा होता है, ये जो चीज़ है यहाँ पे जमा होता है, और फिर आपके चेन के जो है ना, चेन आपका जो पॉकेट होता है उसके ऊपर घसता है और फिर वो धीरे धीरे उसका ग्रिप छोड़ देता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे इसको अपन क्लीन करेंगे इसको एकदम अच्छा खासा, ताकि ये प्रॉपर फंक्शन करें। ये देखो अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे पूरा क्लीन है, तो इसको भाई अपन प्रॉपर क्लीन करेंगे। ये पूरा डस्ट भरा है, देखो ये इतना डस्ट भरा है, वो सारी चीज़ें, और प्लस ऊपर से यहाँ पे देखो कितना क्लीन डस्ट भरा है, देखो पूरा मड का लेयर है, ये
ये सारा क्लीन होना चाहिए। एक्चुअली क्लीन नहीं होगा ना तो आपका ये चेन्स पॉकेट ग्रिप खराब हो जाता है फिर। तो ये देखो इतना कचरा निकला इसमें से, इतना मटेरियल यही जमा होता है और फिर इतना चेंज पॉकेट में लग के ख़राब हो जाता है। अभी इसको पहले कैसा था और अभी देखो पूरा क्लीन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको एक वॉश कर देंगे और फिर इसको वापस फिट करेंगे। अभी अब बार ये तो क्लीन हो चुका है, अब अपन चेंज पॉकेट को क्लीन करेंगे। चलो अभी वो पार्ट तो हो गया इसका कवर का पार्ट, अभी अपन चेंज पॉकेट क्लीन करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डस्ट जो दिख रहा है उसको अपन ये करेंगे। अभी तो फिलहाल न्यूट्रल पे है, देखो दिख रहा है। चलो इसको क्लीन कर दे अभी। तो गाइस फाइनली आप देख रहे हो पूरा चेन क्लीन हो गया, एकदम न्यू जैसा हो गया यहाँ पे। और इतना डस्ट नीचे भी जमा हो गया, देखो ये सब इतना पूरा चेन का जो ख़राब चीज़ होता है ना, जो ऑयल जो मड वो सारी चीज़ यहाँ से निकल गई, चेन एकदम पूरा न्यू हो गया। अभी अपन इस पर लुब्रिकेट मारेंगे और उसके बाद अपन इसको फिट कर देंगे और हो जाएगा अपना चेन एकदम प्रॉपर। सो गाइज फिलहाल अपना लुब्रिकेंट लगा के हो चुका है, एकदम चकाचक हो गया है। अब थोड़ा क्लीनिंग भी कर लिया मैंने, काफ़ी सारा डस्ट यहाँ पे जमा था तो सारा क्लीनिंग भी कर चुका है। यहाँ पे भी सब क्लीन हो चुका है मैंने, सबका सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये भी एकदम न्यू हो गया। लुब्रिकेंट भी लग गया है, दिख रहे थे देखो, ठीक है लुब्रिकेंट का कैसा ये दिख रहा है। तो अब इसको अपन करते हैं फिट और इसके बाद अपना गाड़ी होगा एकदम टकाटक। तो गाइस फाइनली अपने गाड़ी का मेंटेनेंस हो चुका है, जो भी क्लीनिंग के लिए आज मैंने लिया था 2-3 घंटा लग गया होगा उसमें प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर क्लीन हो गया। इतना मट्टी निकला ना उसके अंदर कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे चीज़ें होता है ना, ये आपको आगे जाके ना काफ़ी मेंटेनेंस दे देते हैं अगर आपको इसको ध्यान नहीं रखा तो। इसलिए आप ये छोटे छोटे जब भी आपका टाइम रहेगा ना तो उसको क्लीन करो जितना पॉसिबल होता है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल के पास लेके जाके ठीक कराओ, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ पर आप ध्यान रखो और उसको मेंटेन रखने का ट्राई करो, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जाके बड़ा नुकसान देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इतना 2 घंटा गया ठीक है, लेकिन इतना मिट्टी निकला ना उसके अंदर, मैं आपको मिट्टी दिखा देता हूँ। और अभी गाड़ी अपना एकदम स्मूथ चल रहा है, मैं राउंड मार के भी आ गया, एकदम अच्छा चल रहा है, स्मूथ हो गया। अब कम से कम 2-3 महीना तो देखना नहीं पड़ेगा खोल के, लेकिन हाँ राइड पर जा रहा हूँ तो मेरे को लुब्रिकेंट और क्लीनर तो रखना ही पड़ेगा, चाहे क्लीन और लुब्रिकेंट करते रहो, लेकिन 2-3 महीने में कम से कम एक बार आपको खोल के प्रॉपर क्लीन करना ही पड़ेगा उसका जो पॉकेट का जो बॉक्स होता है ना उसके लिए। ये देखो इतना मिट्टी निकला, इतना ये सारा मिट्टी मेरा चेन पॉकेट का जो बॉक्स है वो निकला है। और ये रहा मेरा प्रीवियस वाला जो चेन पॉकेट जो रहता है पूरा सेट, वो जो ख़राब हो गया था वो, ये एक पूरा मेरा WD-40 निकल गया है और एक पूरा क्लीनिंग जो हाफ बचा था ये भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए एकदम। ये देखो अब भी ये एकदम क्लीन हो गया, फिट हो गया एकदम मस्त, लूज़ नहीं है ना, हाँ ये देखना ज़रूरी है, हाँ लूज़ नहीं है। और अपना चेन एकदम प्रॉपर क्लीन हो चुका है, ये देखो दिख रहा है कैसा निकल रहा है, देखो ये चीज़ ज़रूरी है ये। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मेरे को बताना।